हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं माधवी रश्मि और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी आप ही की रिक्वेस्ट का एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मेहंदी के कोन को कैसे पकड़ा जाए जो बहुत ईजी हो। तो बहुत से लोग मेहंदी के कोन को ऊपर से पकड़ना पसंद करते हैं और बहुत से लोग बीच में और या बिल्कुल नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो मैं पकड़ती हूँ मेहंदी के कोन को बिल्कुल नीचे की तरफ पकड़ती हूँ, मुझे यहीं से सही लगता है मेहंदी लगाना। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर आपको जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप मेहंदी के कोन को वैसे ही पकड़िए। आप वीडियो के बाद डिसीजन मत लीजिए कि मैंने जैसे दिखाया आप वैसे, अगर आपको सही लगता है तो ही आप मेहंदी के कोन को इस तरीके से पकड़िए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मेहंदी के कोन को कट करूँगी और अगर आपको लगता है तो ही कट करिए, वरना अगर आपको लगता है कि वो सही तरीके से मेहंदी कोन से मेहंदी बाहर आ रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कट करने की। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप मेहंदी कोन जब भी स्टार्ट करने जा रहे हो थोड़ी सी उसे निकाल दीजिए, क्योंकि वो शुरुआत में थोड़ी सी गाढ़ी सी होती है, इसलिए वो नहीं निकलती है। और बिगनर्स जो होते हैं वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि मेहंदी ख़राब है या हम कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं मेहंदी कोन को कैसे पकड़ती हूँ। मैं पेन के तरीके से मेहंदी के कोन को पकड़ती हूँ, उसके अलावा तीन जो फिंगर होती हैं उनका यूज़ होता है। पहले फिंगर को हम मेहंदी की डिज़ाइन को बनाने में हेल्प करते हैं, उसके अलावा जो नीचे की तरफ फिंगर दिख रही है आपको, जो ठीक कोन के नीचे है, वो मेरी मेहंदी के कोन को सपोर्ट देती है। और जो ये थंब है, ये थंब मेरी मेहंदी की कोन को प्रेशर देता है जिससे मेहंदी निकलती है, और वही कंट्रोल भी करता है कि मेहंदी ज़्यादा निकल रही है या कम निकल रही है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर देखिए वीडियो को ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप जैसे भी आप मेहंदी के कोन में प्रेशर देंगे वैसे ही मेहंदी के कोन से मेहंदी बाहर आएगी। मैंने बहुत हल्के हाथों से दिया तो देखेंगे आप पतली सी लाइन बन गई। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में दूँगी थोड़ी सी मोटी लाइन बनेगी, और थोड़ा सा और रुक रुक के दूंगी तो देखेंगे आप कहीं पतली और कहीं मोटी लाइन आ रही है। तो फ्रेंड्स, यही होता है मेहंदी के कोन में, आप जैसा प्रेशर देंगे वैसी ही मेहंदी के कोन से मेहंदी बाहर आएगी। और रही पकड़ने की बात, तो आप पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप पहले कागज़ में बहुत अच्छे से ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छे से। ज़रूरी नहीं कि आप प्लेन पेपर ही लें, आप न्यूज़पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा मैंने बहुत हल्की सी लाइन खींची, मैंने बहुत ही लाइट प्रेशर दिया था, बहुत ही हल्का सा प्रेशर दिया था। उसके बाद जो ये डॉट बने हैं इस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया, और देखेंगे आपकी ये बिल्कुल जो उभरे हुए डॉट बन रहे हैं, पहले प्रेशर दिया उसके बाद छोड़ दिया, ये बिल्कुल डॉट की तरह, उभरे हुए डॉट की तरह दिखने लगा फ्रेंड्स। और ये जो शेड है ये देखेंगे आपकी बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही कहीं निकाला प्रेशर दिया कहीं नहीं दिया, तो ये इसी तरीके से शेड आ गया। अगर आपको लगता है कि आप शेड मेहंदी से नहीं देना चाह रहे हैं तो जो आउटलाइनिंग बनी है आप उससे भी मेहंदी का शेड दे सकते हैं, बहुत ही हल्का हल्का शेड देना होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस तरीके की शेड मेहंदी के में काम आते हैं और अच्छे भी लगते हैं। आप देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपने देखा होगा रेपिंग में यूज़ होता है, और पहले प्रेशर दिया उसके बाद बिल्कुल लाइट कर दिया और देखेंगे डिज़ाइन जैसा बन के तैयार हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने इसे फिल कर दिया है। ये भी मेहंदी की कोन का ही ये सब कमाल होता है, बस आपको प्रेशर पे ध्यान देना होता है कि आपकी मेहंदी कोन पे किस तरीके का दबाव पड़ रहा है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहंदी को कैसे दबा रहे हैं जिससे मेहंदी बहुत अच्छे से निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर आपने एकदम अचानक दबा दिया तो भी क्या होता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा एकदम से मुड़ी हुई सी मेहंदी निकल के आ जाती है, तो अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि मेहंदी एकदम से रुक गई है या आपकी कोन फंस फंस के चल रही है तो भी कभी कभी बिगनर्स नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी मेहंदी की कोन में मेहंदी का ही कुछ ऐसा कण होते हैं जो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं और उससे मेहंदी एकदम से ब्लॉक हो जाती है और नहीं चलती है। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी हाथ की मदद से कोन की जो नोक होती है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं बात बन रही है तो थोड़ा सा कट कर लीजिए, आप देखेंगे आपकी कोन बिल्कुल स्मूथ चलने लगी है। और साथ में एक टिश्यू पेपर या कपड़ा रखिए ताकि आप अपनी कोन को साफ़ करते रहें, वरना आपको बार बार अपने हाथ पे पोंछना पड़ेगा जो आपको काफ़ी दिक्कत करेगा। और अगर आपकी कोन खाली हो गई है तो आप देखेंगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको दोबारा टेप लगाइए
कभी कभी क्या होता है कि बिगनर्स उसी को ही यूज़ करते रहते हैं, और आप देखेंगे बिल्कुल टेप लगाने के बाद बिल्कुल नई मेहंदी की कोन तैयार हो गई है, और वैसे ही आपको प्रेशर भी काफ़ी अच्छा सा देगी। तो इसलिए आप इस तरीके की चीज़ें ट्राई कीजिए, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये मेरा तरीका था, अगर पसंद आया है तो ज़रूर बताइए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।